गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन करते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 6, एक्सरसाइज जो है 7.2 का है। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन काफ़ी इजी है। क्या है, इफ 0.12, 4y, x6 एंड 3y आर द वर्टेक्स ऑफ ए पैरेललोग्राम टेकन इन ऑर्डर, फाइंड x एंड y। x और y जो है वो अपने को फाइंड आउट करना है। ये जो 4 पॉइंट गिवन है ये एक पैरेललोग्राम के 4 वर्टेक्स हैं। ठीक है, तो देखो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो क्या है, सबसे पहले अपन एक पैरेललोग्राम जो है ड्रॉ करते हैं। ये अपन ने एक पैरेललोग्राम ड्रॉ कर लिया, ठीक है, जिसमें ये साइड इसके पैरेलल है, ये साइड जो है इसके पैरेलल है। ठीक है, पैरेललोग्राम क्या हो गया, ए बी सी डी। ठीक है, अब अपने को पॉइंट ए जो है वो क्या दे रखा है, 1, 2। पॉइंट बी जो दे रखा है वो है 4y। देखो इसने दे रखा है टेकन इन ऑर्डर, अपने को ऑर्डर में जो है पुटअप करना है इनको। सी पॉइंट अपने को दे दिया x6, डी पॉइंट क्या दे दिया 3y। पैरेललोग्राम की क्या प्रॉपर्टी होती है, इसकी प्रॉपर्टी होती है पैरेलल साइड आर इक्वल, अपोजिट एंगल आर ऑल्सो इक्वल। ठीक है, तो अब अपन क्या करते हैं, इसमें देखो क्या होता है, जो डायगनल्स होते हैं इसके, डायगनल्स क्या क्या है, ए सी एंड बी डी। ये डायगनल जो है जिस पॉइंट पे कट करते हैं उस पॉइंट को अपन ने ले लिया ओ। ठीक है, तो ये एक दूसरे को क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। ठीक है, तो बाइसेक्ट करते हैं, ये ओ पॉइंट क्या करता है, इनको बाइसेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपन पॉइंट ओ फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो पॉइंट ओ क्या हो गया, ए और सी का मिड पॉइंट हो गया। ठीक है, तो अपन ने पॉइंट ओ फाइंड आउट किया, क्या है, x1 + x2 / 2 यानी 1 + x / 2, 2 + 6 / 2। देखो अगर अपने को दो पॉइंट दे रखे हैं ए एंड बी, ठीक है, ए पॉइंट है x1 y1, बी पॉइंट है x2 y2, तो मान लो इसका मिड पॉइंट पी है, मिड पॉइंट फाइंड आउट करना है। तो मिड पॉइंट क्या आएगा, पी आएगा x1 + x2 / 2 और y1 + y2 / 2। ये क्या आ गया, इसका मिड पॉइंट आ गया। तो ये जो फॉर्मूला है इसका यूज लेके अपन एसी का मिड पॉइंट ओ फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, इसको आगे सोल्व करते हैं, तो आगे क्या आएगा, पॉइंट ओ जो है ये आ गया 1 + x / 2 और क्या आ गया 6 + 2 / 8 / 2 क्या आ गया 4 आ गया अपने पास। ठीक है, अब अपन क्या करते हैं, बी डी का मिड पॉइंट फाइंड आउट करते हैं। इसका मिड पॉइंट भी क्या है, ओ ही है। ठीक है, तो देखो ये क्या आएगा, ये आ गया 4 + 3 / 2 एंड y + 5 / 2। ठीक है, आगे सोल्व किया, क्या आया 4 + 3 7/2 और ये क्या आ गया y + 5/2। देखो ये भी जो O पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट है, ये भी O पॉइंट के कोऑर्डिनेट है, तो इक्वल होंगे। तो यहां से अपन लिख सकते हैं 1 + x / 2 = 7/2। ठीक है, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, यहां आ गया अपने पास, यहां सोल्व करते हैं आगे, यहां पे कर लेते हैं 1 + x = 1 + x = क्या है 7, यहां से आ गया x = क्या आ गया 6 आ गया अपने पास। ठीक है, सेम अपन y वाले इक्वल करते हैं, तो क्या आएगा y + 5/2 = 4। ठीक है, यानी y + 5 = 8 यानी y = 8 - 5 यानी y = क्या आ गया 3। तो x के क्या कोऑर्डिनेट आ गया 6 और y कोऑर्डिनेट क्या आ गया 3। तो इस प्रकार अपन क्या कर सकते हैं, x और y फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट वेयर ए बी इज द डायमीटर ऑफ ए सर्किल। ठीक है, तो देखो अपन इसको सॉल्व करते हैं, क्या आएगा, इसमें दे रखा है एक सर्किल दे दिया अपने को,
ये सर्कल दे दिया, ठीक है। ए बी इसका डायमीटर दे रखा है, ये अपन ने डायमीटर ले लिया, ए बी जो है इसका डायमीटर दे दिया, ओ इसका सेंटर है, ठीक है। तो क्या दे दिया इसने, देखो ए बी इज द डायमीटर ऑफ ए सर्किल हुज सेंटर इज 2-3, सेंटर क्या दे दिया 2-3, ठीक है। बी पॉइंट क्या दे दिया 1-4, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट ए, ये ए जो पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट अपने को फाइंड आउट करने हैं, ठीक है। तो देखो सबसे पहले देखो ये अपने को पता है कोई भी जो सर्कल होता है उसका जो डायमीटर है उसको सेंटर बाइसेक्ट करता है इक्वल पार्ट में, यानी सेंटर जो होता है देखो ये क्या अपने पास क्या होता है, देखो डायमीटर डी इक्वल टू होता है 2r, यानी r इक्वल टू क्या आ गया डी अपॉन 2। तो देखो ये क्या है रेडियस r, ये भी क्या है r, और ये कंप्लीट क्या है डायमीटर, ठीक है। इसका मतलब पॉइंट O जो है ए बी को बाइसेक्ट कर रहा है, यानी O क्या हो गया मिड पॉइंट हो गया इसका, ठीक है। तो लेट द पॉइंट ए, ए पॉइंट अपन ने क्या ले लिया एक्स वन वाई वन, लेट द पॉइंट ए क्या ले लिया एक्स वन वाई वन, ठीक है। ओ इज द मिडल पॉइंट ऑफ ए बी, ए बी का क्या है मिड पॉइंट है, ठीक है। तो अब अपन ओ फाइंड आउट करेंगे, तो देखो क्या आएगा ओ, यहां करते हैं अपन ओ, तो मिड पॉइंट, मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है एक्स वन प्लस एक्स टू अपॉन टू, यहां वापिस से नोट कर देता हूं, एक्स वन प्लस एक्स टू अपॉन टू एंड वाई वन प्लस वाई टू अपॉन टू, ये मिड पॉइंट जो है वो फाइंड आउट करने का फॉर्मूला है। तो देखो इसमें क्या है एक्स वन ये आ गया एक्स वन प्लस वन अपॉन टू, देखो x1 वन प्लस एक्स टू अपॉन टू, ठीक है, y1 वन प्लस वाई टू यानी y1 वन प्लस फोर अपॉन टू, ये मिड पॉइंट आ गया, ये सेंटर आ गया, और सेंटर ऑलरेडी गिवन है, क्या गिवन है 2-3, यानी अपने को सेंटर ऑलरेडी दे रखा है, क्या दे रखा है 2-3। तो अपन इनको इक्वल करेंगे, क्या कर सकते हैं x1 वन प्लस वन अपॉन टू इक्वल्स टू टू, एंड क्या आएगा y1 वन प्लस फोर अपॉन टू इक्वल्स टू -3, ठीक है। तो यहां से क्या आएगा x1 वन प्लस वन इक्वल्स टू फोर, यानी x1 क्या आ गया 3 आ गया, ठीक है। यहां से क्या आएगा y1 वन प्लस फोर इक्वल्स टू -6, यानी y1 वन इक्वल्स टू -6 -4, यानी y1 वन इक्वल्स टू क्या आ गया माइनस का 10 आ गया, ठीक है, क्या आ गया माइनस का 10 आ गया। तो अपने पास पॉइंट ए क्या आ गया, ए पॉइंट आ गया अपने पास 3 और माइनस का 10। इस टाइप से जो है अपन ए पॉइंट फाइंड आउट कर सकते हैं, ओके। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 8, इफ ए एंड बी आर -2, 2, 2-4, क्या करना है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पी सच दैट ए पी इक्वल्स टू 3/7 ए बी एंड पी लाई ऑन द लाइन सेगमेंट ए बी। देखो सबसे पहले एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करते हैं ए बी, ये अपन ने लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर लिया ए और बी, ठीक है। अब देखो अपन यहां से फाइंड आउट करते हैं, अपने पास क्या दिया है, अपने पास दिया है ए पी इक्वल्स टू 3/7 ए बी, यानी अपन क्या लिख सकते हैं ए पी इक्वल्स टू 3/7 ए बी, ठीक है। तो अपन लिख सकते हैं ए पी अपॉन ए बी इक्वल्स टू 3/7, ठीक है। तो देखो ए पी अपन ने ले लिया एक पॉइंट पी, ये है अपने पास, ठीक है। तो ये कितना दे दिया, ये दे दिया 3, ठीक है। ए बी कितना दे रखा है, ए बी यहां से लेके ये कितना दे रखा है 7, ये कितना दे रखा है 7 दे रखा है, ठीक है। तो ये पी बी क्या आएगा 7-3 कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो अपन ये लिख सकते हैं क्या ए पी अपॉन पी बी इक्वल टू 3:4, क्या लिख सकते हैं 3:4। तो अपने को फाइंड क्या करना है पी पॉइंट फाइंड आउट करना है, तो पी पॉइंट अपन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखो ए क्या दिया है, ए दिया है -2 -2, बी क्या दिया है
टू माइनस फोर। तो देखो पी पॉइंट जो है ए और बी को 3:4 में डिवाइड कर रहा है, तो पॉइंट पी फाइंड आउट करना है अपने को। तो देखो अपने को जो है सेक्शन फॉर्मूला है ये, सेक्शन फॉर्मूला में क्या आता है, सेक्शन फॉर्मूला में पी जो होता है वो होता है, अगर अपन इसको एम वन एम टू लेते हैं तो वो होता है एम वन एक्स टू प्लस एम टू एक्स वन अपॉन एम वन प्लस एम टू, ठीक है। फिर क्या है एम वन वाई टू प्लस एम टू वाई वन अपॉन एम वन प्लस एम टू, ये सेक्शन फॉर्मूला होता है, ठीक है। इसका यूज लेके अपन पॉइंट पी फाइंड आउट करेंगे, जहां पे एम वन थ्री है, एम टू क्या है फोर, और एक्स वन वाई वन ये है, एक्स टू वाई टू ये है, ठीक है। करते हैं पॉइंट पी फाइंड आउट। देखो थ्री इंटू टी डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं, थ्री टू जा सिक्स, फोर इंटू माइनस टू माइनस का एट अपॉन थ्री प्लस फोर, ठीक है। थ्री इंटू माइनस फोर माइनस का ट्वेल्व, ठीक है। फोर इंटू माइनस टू, फोर इंटू माइनस टू माइनस का एट अपॉन थ्री प्लस फोर, ठीक है। यहां सोल्व करते हैं आगे। देखो ए सिक्स माइनस एट माइनस का टू, क्या आ गया माइनस का टू अपॉन सेवन, फोर थ्री सेवन, माइनस ट्वेल्व माइनस एट माइनस का ट्वेंटी, माइनस का ट्वेंटी अपॉन थ्री प्लस फोर सेवन, ठीक है, हो गया। तो अपन ने जो है ये पी पॉइंट फाइंड आउट कर लिया, ओके। तो वो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर नाइन, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग दिस एंड दिस इंटू फोर इक्वल पार्ट्स। देखो अपने पास एक लाइन सेगमेंट है, सोल्व करते हैं इसको। ये लाइन सेगमेंट हो गया ए एंड बी, ठीक है। अब ए पॉइंट क्या दे रखा है माइनस टू और टू, बी पॉइंट क्या दे रखा है टू और एट, ठीक है। इसको चार इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है अपने को, ठीक है। तो सबसे पहले देखो अपन क्या करते हैं, इजी मेथड देखते हैं। सबसे पहले इक्वल पार्ट में करना है ना, इसका मिड पॉइंट निकाल लो। दो पार्ट में डिवाइड किया, मिड पॉइंट मैंने निकाल लिया पी, ठीक है। तो पी के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करो। पी के कोऑर्डिनेट क्या हो गए, एक्स वन प्लस एक्स टू यानी माइनस टू प्लस टू अपॉन, मिड पॉइंट क्या 1:1 में ले लिया, 1:1 में टू, फिर वाई वन प्लस वाई टू, टू प्लस एट अपॉन टू, ठीक है। तो देखो क्या आएगा, पी क्या आ गया अपने पास माइनस टू प्लस टू जीरो, और ये एट और टू टू, एट और टू टेन, टेन अपॉन टू कितना आ जाएगा फाइव, यानी ये पॉइंट पी आ गया जीरो और फाइव आ गया, ठीक है। अभी दो पार्ट में हुआ है, ठीक है। तो अब अपन क्या करते हैं, इन दोनों का मिड पॉइंट निकालते हैं। वो पॉइंट क्या ले लिया अपन ने, क्यू ले लिया। इन दोनों का मिड पॉइंट निकालते हैं, वो क्या ले लिया अपन ने, आर ले लिया, ठीक है। तो Q और R फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले एक काम करो, Q फाइंड आउट करो। Q, Q क्या है, इन दोनों का मिड पॉइंट है। तो क्या आएगा 0 प्लस 2 अपॉन 2 और 5 प्लस 8 अपॉन 2, 5 प्लस 8 अपॉन 2। तो क्या आ गया, Q पॉइंट आ गया 2 अपॉन 1 1 और 13 अपॉन 2, ये Q पॉइंट आ गया, क्या आया 1 और 13 अपॉन 2, ठीक है। अब अपन R पॉइंट फाइंड आउट करेंगे। R क्या है, इन दोनों का मिड पॉइंट है। तो क्या है माइनस टू प्लस जीरो अपॉन टू, ठीक है, और 2 प्लस 5 अपॉन टू। तो क्या आया, R पॉइंट आ गया माइनस टू अपॉन माइनस, माइनस टू अपॉन टू माइनस का 1 और 7 बाई टू, क्या आया माइनस का 1 और 7 बाई टू, ये मिड पॉइंट आ गया। तो देखो कितने पार्ट में होगी, ए आर 1, आर पी 2, पी क्यू 3 और क्यू बी 4, 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड होगी। और चारों पॉइंट जो है पी, पी क्यू और आर, तीनों पॉइंट जो है अपन ने फाइंड आउट कर लिए। तो इसके अलग अलग मेथड है, चाहे ये मेथड ले लो। पहले एक आर पॉइंट है, 3:1 में डिवाइड कर रहा है, फिर आगे इस टाइप से भी अपन सॉल्व कर सकते हैं। ये इजी मेथड लगा मेरे को, इसलिए मैंने इस मेथड से करवा दिया, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे।
तो एक्सरसाइज 7.2 जो है उसका लास्ट क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया ऑफ ए रोम्बस इफ इट्स वर्टेक्स आर दिस टेकन इन ऑर्डर। सबसे पहले देखो एक रोम्बस ड्रॉ करते हैं अपन। अपन ने एक रोम्बस ले लिया, ये अपन ने जो है रोम्बस ले लिया ए बी सी एन डी। रोम्बस में क्या होती है, रोम्बस में चारों साइड इक्वल होती हैं, ठीक है। रोम्बस में ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू ए डी, चारों साइड इक्वल होती है रोम्बस में, ठीक है। अब देखो इसने दे रखा है ए क्या दे दिया 3 0, बी क्या दे रखा है 4 5, सी क्या दे रखा है -1 4 और डी क्या दे रखा है -2 -1। चारों वर्टेक्स अपन ने ऑर्डर में पुटअप कर दिए। इसका एरिया फाइंड आउट करना है, क्या फाइंड आउट करना है, एरिया ऑफ रोम्बस ए बी सी डी इक्वल्स टू क्या होता है इसका रोम्बस जो इसके ये डायगनल हो गए ए सी और बी डी क्या हो गए डायगनल्स हो गए सॉरी ये डायगनल्स हो गए ये डायगनल्स हो गए, ठीक है। तो एरिया ऑफ रोम्बस ए बी सी डी होता है हाफ इनटू प्रोडक्ट ऑफ डायगनल डी वन एंड डी टू, यानी हाफ डायगनल्स क्या है ए सी इंटू बी डी, ये क्या है 1/2 ए सी इंटू बी डी, ये इसका एरिया होता है। तो अपन क्या करते हैं, सबसे पहले ए सी और बी डी फाइंड आउट करेंगे, किससे डिस्टेंस फॉर्मूले से फाइंड आउट करेंगे। तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, ए बी इक्वल्स टू रूट क्या x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ये जो है डिस्टेंस फॉर्मूला होता है। इसका यूज लेके अपन फाइंड आउट करते हैं। तो ए सी निकालते हैं, देखो ए सी इक्वल्स टू रूट x2 - x1 - 1 - 3 का होल स्क्वायर, देखो माइनस का 1 दे रखा है और ये माइनस जो है ये वाला माइनस है, प्लस 4 - 0 का स्क्वायर y2 - y1, ठीक है आ गया। सोल्व करते हैं आगे, देखो -3 - 1 - 4, -4 का स्क्वायर कितना आ गया 16, प्लस 4 का स्क्वायर कितना आ गया 16, ये कितना आ गया ये आ गया 32। 32 को क्या लिख सकता हूँ मैं 4√2, क्या लिख सकता हूँ 4√2, ठीक है। अब अपन बी डी फाइंड आउट करते हैं, बी डी इक्वल्स टू क्या आएगा, देखो बी डी 4 - - +2, 4 + 2 का स्क्वायर प्लस 5 - +5 + 1 का स्क्वायर क्या आ गया, ये देखो क्या आया 4 + 2 6 6 का स्क्वायर 36, ये भी 5 + 1 6 36, यानी क्या आ गया 72, यानी क्या आ गया 6√2, ठीक है। अब अपन एरिया निकालते हैं ए बी सी डी का, एरिया ऑफ रोम्बस ए बी सी डी इक्वल्स टू 1/2, ये कितना आया 4√2 इंटू 6√2, ठीक है 2 2 जा 4, तो क्या आ गया √2 2 2 जा 4 इंटू 6 कितना आ गया 24, कितना आ गया 24 आ गया अपने पास, ठीक है। देखो √2 √2 2 2 2 जा 4 4 × 6 कितना आ गया 24। तो ये जो है अपनी 7.2 एक्सरसाइज जो है कंप्लीट हो गई है। इस एक्सरसाइज में कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में या मेरे व्हाट्सएप पे जो है आप लोग मैसेज कर सकते हो। ओके।